हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने करी पत्ता की सूखी चटनी बनाई है। इसे बनाकर स्टोर करके आप आराम से खा सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होगा और काफी अच्छी टेस्टी और हेल्दी चटनी बनी है। तो इसकी पूरी वीडियो फूड एंड क्राफ्ट विथ मीनू चैनल पे देख सकते हैं। जो लोग नए आए हैं, प्लीज प्लीज फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर जरूर कीजिए। बहुत ही अच्छी और काफी टेस्टी चटनी है। इसकी पूरी वीडियो फूड एंड क्राफ्ट विथ मीनू चैनल पे देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी पत्ते के सूखी चटनी, जो कि बहुत ही टेस्टी और काफी अच्छा बनता है। तो यहाँ हमने कढ़ी पत्तों को तोड़ के अच्छे से धो के और पोंछ के सुखा ली हूँ। और हमने यहाँ पे चटनी में और भी कुछ मिक्स करने के लिए लिया है, तो स्टार्ट करते हैं। इधर हमने कढ़ाई गर्म होने रख दिया है। कढ़ाई में कुकिंग ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया है। अब हमने यहाँ पे एक बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डाल करके गरम कर ली हूँ। इस कुकिंग ऑयल में ये जो कढ़ी पत्ता हमने लिया हुआ है, इसे डाल दूंगी। ये कढ़ी पत्ता बहुत जल्दी श्रिंक हो जाते हैं और इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए एकदम ही क्रिस्प कर लेना है। जब ये पूरी तरह से क्रिस्प हो जाएगा तो मैं इसे निकाल लूंगी। बहुत ही बढ़िया और काफी टेस्टी ये कढ़ी पत्ता की चटनी बनती है। इसे बना करके आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल खराब नहीं होता। ये जो चटनी मैं बना रही हूँ, इसमें कोई भी गीला चीज का मैंने यूज नहीं किया हुआ है। इसे इसी तरह से देख रहे, जब तक ये चटचट की आवाज आएगी तब तक हमें कंटिन्यू भून लेना है, ताकि अच्छे से ये कढ़ी पत्ता जो है भून जाए। तो ये कढ़ी पत्ता काफी अच्छा सा भून गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया और काफी अच्छी चटनी बनेगी, इसे जरूर आप भी ट्राई कीजिए। और बहुत ही टेस्टी टेस्टी तो बनेगा ही फ्रेंड, साथ में काफी हेल्दी चटनी भी बनने वाली है। आप पूरी वीडियो को जरूर फॉलो कीजिए। तो ऑलरेडी इसमें बहुत सारे तेल अब भी है, तो हमने इस तरह से कढ़ी पत्तों को पूरा निकाल लिया है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इसमें कुकिंग ऑयल और एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है। इसमें और अभी एक चम्मच के अंदाज से थोड़ी कुकिंग ऑयल बची हुई है, तो इसी स्टेज पे मैं मूंगफली डालूंगी। ये प्रोसेस जो है फ्रेंड, जैसे जैसे जो थोड़ा हार्ड है, ज्यादा भूनने की जरूरत है, उसे पहले डालेंगे। और इसी तरह से मूंगफली को हमें भून लेना है एक मिनट के लिए। ये मूंगफली भी भून चुका, काफी अच्छा सा भून गया है। अब इस स्टेज पे मैंने ये जो लहसुन की कली ली हूं, इसे डाल दूंगी। इसे भी हमें एक मिनट बस काफी है। यहाँ हमने सूखा हुआ नारियल लिया है, इसे डाल दूंगी। ये कच्चा नारियल नहीं, सूखा वाला नारियल है, इसे भी हम डालकर चला लेंगे। साथ में भून लेना है मुझे नारियल को भी। यहाँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी आपको तीखा बनाना है चटनी, उस हिसाब से मिर्ची लीजिए। मैंने यहाँ कम से कम 10 से 12 सूखी लाल मिर्च ली है। अगर आपके पास ये मिर्ची नहीं है तो आप यहाँ पे हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च को अच्छे से भूनना पड़ेगा। उसका पूरा पानी जो है मिर्ची का पूरा खत्म करना पड़ेगा। तो इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे आप पूरे चीज को भूनते जाइए, बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आ जाएगा चटनी में। तो हमें छोड़ना नहीं है, इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए भून लीजिए। भूनने के बाद यहाँ हमने जीरा लिया है, जीरे को डाल दूंगी। जीरा भी भून जाएगा साथ में। साथ में हमने ये तिल ली हूँ, एक बड़े चम्मच हमने
सफेद तिल का यूज किया है उसे डाल दूंगी। इन सब को चला के अच्छा सा भून लेना है, हमें ज्यादा नहीं भूनना, बस बोल सकते हैं कि जो तिल हमने यूज किया है उसका मॉइस्चर मुझे खत्म करना है, ज्यादा नहीं भूनना है। तो इसे भून के बहुत ही बढ़िया और काफी टेस्टी चटनी बनेगी, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। हमारे पूरे वीडियो को देखते हुए, पूरे वीडियो को फॉलो करते हुए आप भी चटनी बनाइए, बना करके आप इसे स्टोर करके आराम से महीनों खाइए, खराब नहीं होगा, बस इसे पानी से थोड़ा बचाना पड़ेगा। तो ये बातों बातों में ये सारा कुछ अच्छा सा भुन गया है, अब हम गैस की फ्लेम कर देते हैं बंद और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। उधर जो हमने कड़ी पत्ता भुना है वो भी ठंडा हो जाएगा, साथ में ये भी ठंडा हो जाएगा, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये काफी अच्छा सा ठंडा हो चुका है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है, तो इसे हम साइड करते हैं और एक मिक्सर जार लेंगे। इसमें इस कड़ी पत्ते को पूरा इसमें शिफ्ट कर देना है हमें। उसके बाद ये जो हमने लिया है सारा मसाला इसे भी इसमें डाल दूंगी। ये बहुत ही बढ़िया और काफी टेस्टी चटनी बनती है फ्रेंड्स। इसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं रास्ते में, तो भी आप कोई छोटा मोटा स्नैक्स के साथ इस चटनी को कैरी कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया और काफी अच्छी लगती है ये चटनी। बहुत ही अच्छी और काफी टेस्टी चटनी बनेगी, इसे जरूर आप पूरी वीडियो फॉलो करते हुए आप बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमने हींग ली हूं, ये अमचूर पाउडर है जो कि चटनी को काफी अच्छा टैंगी सा बनाएगा, इसके लिए मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूं। ये हमने 1 पिंच हींग लिया है, ये हींग है इसे भी ऐड करेंगे, और ये काला नमक है इसे भी डाल दूंगी। बहुत बढ़िया सा टेस्ट आएगा इस चटनी का, पूरी वीडियो आप फॉलो कीजिए और फिर बना के देखिए, काफी अच्छी चटनी बनेगी। इसी समय हम थोड़ा सा सादा नमक भी ऐड कर देंगे और इन सबको मिक्स बहुत ही अच्छा सा कोर्स, मुझे एकदम पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा कोर्सली ही रखेंगे जिससे कि चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसे हम पीस कर रेडी करेंगे और ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, पल्स मोड में ही पीसिएगा और एकदम ही पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा कोर्सली ही दिखेगा तो चटनी बहुत अच्छी बनेगी। तो पीस करके हम रेडी कर लेते हैं। तो ये चटनी काफी अच्छा सा पीस करके रेडी हो गया, इसी तरह से एकदम ही दरदरा सा पीसना है चटनी को। तो इसे आपको सर्व करके दिखाते हैं, बहुत ही बढ़िया और काफी अच्छी चटनी रेडी हो गई। इसे बनाइए और आराम से आप एयर टाइट डब्बे में रख दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा और एंजॉय कीजिए, काफी अच्छी लग रही है ना देखने में, बहुत ही यमी और टेस्टी चटनी बनी है ना। तो इसे आप जरूर जरूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट हमें जरूर दीजिए। फूड एंड क्राफ्ट विथ मीनू चैनल पे बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपी है फ्रेंड्स, आप उस पे एक बार जरूर विजिट कीजिए। और हमारे चैनल पे कौन सी रेसिपी आप देखना पसंद करते हैं हमें जरूर बताइए, अपने फीडबैक कमेंट हमें जरूर दीजिएगा। तो काफी अच्छी चटनी बनकर रेडी हो गई ना, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।